हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं समीर, आपका दोस्त और होस्ट। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लाया हूं जो कंटिन्यूएशन में है हमारे वीडियो के जो प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे एक दर्शक की रिक्वेस्ट पे बनाए गए, जिनका नाम है जगदीश अर्जा। तो जगदीश जी का सवाल ये है कि जो मेड सर्विस है उसके लिए एजेंसी कैसी खोली जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताऊँगा कि जो आज के डेट में एक जो मेड सर्विस से जगदीश जी का बोलना है वो है जो काम वाली बाई जो रहती है उसकी एजेंसी, जो हाउस मेड है उसकी एजेंसी। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई पर्सन ये न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है हाउस मेड एजेंसी का, तो उसके लिए बहुत सारे बिजनेस एस्पेक्ट्स है। जो मैं आपको एस्पेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा वो है रजिस्ट्रेशन का। तो जो सबसे पहले है, अगर आप हाउस मेड एजेंसी खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पेपर वर्क लगेंगे और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना है। पहले तो आपको जो है वो गुमास्ता लाइसेंस लगेगा, जिसको शॉप एक्ट लाइसेंस भी बोलते हैं। अगर आप गुमास्ता लाइसेंस आपको तभी एप्लीकेबल होगा जब आप किसी म्यूनसिपल एरिया में रहते, किसी सिटी में रहते, गांव में रहते तो वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप गाँव वगैरह में रहते तो आपको सिर्फ उद्योग आधार पर आपका काम हो जाएगा। और तो आपको नंबर वन लेना है गुमास्ता लाइसेंस, नंबर टू लेना है उद्योग आधार, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको लेनी है और इससे आपकी फर्म रजिस्टर हो जाएगी। ये मैं आपको रजिस्ट्रेशन करवा के दे सकता हूँ। आप चाहे तो आप इसके लिए उद्योग आधार और गुमास्ता लाइसेंस के लिए जो पेपर लगते हैं वो मैंने नीचे लिख के दिया, आप वो देख सकते हो, मैं आपको बना के दे दूंगा। आप चाहे कहीं भी हो इंडिया में। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते तो जो नेक्स्ट एक्सपेक्ट है वो ये है कि आप जो मेड्स को अपने लिस्ट में रखोगे वो सब मेड्स का फोटो, उनका आधार कार्ड, उनका पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब आपको करके रखना ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से ये बहुत इजी बिजनेस है, क्योंकि जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे पता है मुंबई में बहुत